तरफ जहां पर देश भर में नोटबंदी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ गुजरात में पंचायत चुनाव में जीत के बाद नोट उड़ाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, राजकोट के पास गोंडल ग्राम पंचायत है ये, यहाँ चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जीत मिली और जीत के बाद बलजी भाई महिंदा ने जीत का जश्न मनाते हुए खुलेआम इस तरीके से नोट भी उड़ाए और अपने वोटर्स को नोट बांटे। तो ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें जीत के जश्न की हैं। जीत का जश्न समझ में आता है, लेकिन उसके साथ नोट भी उड़ाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग नोटबंदी से परेशान हैं, ऐसा भी लगातार कहा जा रहा है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी भार्गव परीख दे रहे हैं। भार्गव, जरा ये तस्वीरें समझाइए, नोट उड़ाने का मसला जश्न के बाद कुछ समझ नहीं आया। देखिए पूर्णिमा, गुजरात के अंदर ग्राम पंचायत के चुनाव के कल नतीजे आए हैं और राजकोट के पास गोंडल ग्राम पंचायत के वेजा गांव के अंदर ये वेलजी भाई महिडा नाम के जो शख्स थे वो चुन के आए हैं और चुनने के बाद वो काफी हद तक खुश दिखाई दे रहे थे और ये माना जाता है कि उन्होंने चुनाव से पहले भी लोगों को लूर करने के लिए, लुभाने के लिए पैसे भी दिए थे और चुनाव के बाद जिस तरह से उनके समर्थकों ने उनको घेर लिया तो उसके बाद ढोल नगाड़े के साथ विजय सर्कस निकला, उसके अंदर काफी पैसे बरसाए गए और खुलेआम नोट बरसाई गई। एक तरफ नोटबंदी का बड़ा मामला है तो दूसरी तरफ ये चुनाव आयोग के तमाम नियमों को ताक पे रखते हुए महिला ने ये नोटों की बरसात की है। भार्गव, ये जो लोग दिख रहे हैं तस्वीरों में और जो नोट उड़ाते हुए शख्स दिख रहे हैं, शायद इन्हीं की जीत हुई है, ये है कौन? ये वालजी भाई महिडा है जो ये वाजा यहाँ की जो ग्राम पंचायत है उसका चुनाव जो था उस चुनाव के अंदर जीते हैं। हालांकि ये कोई पार्टी के साथ चुनाव पार्टी सिंबल पे नहीं होता है पर ये उसके बाद ये पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो ये चुनाव में इस जीत के बाद ये वो उनके कार्यकर्ताओं के साथ जब वो विजय सर्कस गाँव के अंदर निकाला तो इस विजय सर्कस के दौरान उन्होंने ये बड़े पैमाने पे नोटें उछाली है और नोट उछालने के बाद ये बड़ी मात्रा के अंदर उन्होंने जश्न की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। भार्गव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।